पाठ पांच सच्चाई दी कीमत। पाठ दा उद्देश विद्यार्थियों नू सच दी कीमत दा एहसास करवा के सदा सच बोलन लई प्रेरित करना। नदी किनारे वसे एक पिंड दे बाहर वार एक पति पत्नी एक घर च वस दे सन। घर च सिर्फ एक ही कमरा ते नाल ही रसोई लई एक छोटा जिहा कमरा कान्या दी छत वाला सी। उस व्यक्ति दा नाम सोना राम ते उस दी पत्नी दा नाम रजनी सी। सोना रोजाना ही पिंड च जां नाल दे पिंड च दिहाड़ी करन जाया करे ते शाम नू रोटी खान जोगा समान ले आया करे। इउं किन्ने ही साल लंघ गए सन। उना दे घर हुण एक निक्के जिहे न्याणे ने भी चरण पा लए सन। घर च गरीबी होण कारण रजनी बहुत परेशान रहन लग पई। घर च लड़के दे होण कारण उना दा खर्च होर भी वध गया सी। एक दिन रजनी अपनी रसोई च रोटियां पकाउन लगी होई सी तां सोना दूसरे कमरे च अपने लड़के नाल बैठा उसदे हत्थां दे थपथपा के रोटियां पकाउन ते रोटियां दी गिनती करन लगा। कुछ देर बाद जदो ओह कमरे च रोटियां लेके आई तां कहन लगा, तू अज सत ही रोटियां पकाईयां ने। तैनू किवें पता बई मैं सत रोटियां पकाईयां ने, उसने अग्गो प्रश्न कीता। मैनू बस एवें ही पता लग गया, कह के ओह हसन लगा। हां तीन तेरे लई तीन मेरे लई ते एक अपने दौलत लई। उना अपने मुंडे दा नां दौलत रख्या सी। अगले दिन फिर एही वापरिया। सोना राम ने उस दियां रोटियां थपथपाउण दी आवाज तो अंदाजा लगा लिया कि उसने अज 8 रोटियां पकाईयां ने। ओह फिर रजनी नू कहन लगा, क्यों बई अज 8 रोटियां क्यों पकाईयां ने, आपा नू ता 7 ही वादू सी। तीन तेरे लई तीन मेरे लई एक दौलत लई ते एक अज सवेरे साधु भिख्या लैन आया सी ओ दे लई। अच्छा चलो ठीक है, सोना राम कहन लगा, पर तैनू किवें पता लगा बई मैं 8 रोटियां पकाईयां ने। रजनी ने अज फिर ओही प्रश्न दोहरा दिता। बस एवें ही पता लग जांदा है, हसदा होया सोना राम फिर कहन लगा। इउं रजनी कई दिन परखदी रही कि एह झूठ बोलदा है कि सच, पर ओह हमेशा पूरियां रोटियां ही गिन लैंदा। उसनू महसूस होण लगा कि इस कोल कोई गैबी शक्ति आ गई है जिस नाल ओह मेरियां रोटियां गिनन लग पिया है। उसने अपने पिंड च इस बारे अपनियां सहेलियां कोल गल्लां कीतियां। ओह सारियां हैरान सन। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राज महल च चोरी हो गई। चोरी च महारानी दा 9 लखा हार सी। हार ना मिलन कारण रानी ता बहुत दुखी सी, पर उस तो ज्यादा राजा परेशान सी कि उस दे राज विच अजीहा केहड़ा चोर है जेड़ा उस दे राज महल विच भी चोरी करनो नहीं रहंदा। राजे ने अपने सैनिकां नू हार पालन लई कहा ते कुछ इनाम देन दी वी पेशकश कीती। तुरदी तुरदी गल उस पिंड च पहुंच गई जिथे सोना राम ते उस दी पत्नी रहंदे सन। सोना राम नू पिंड वासियां ने कहा कि ओह तां जानी जान है, जल्दी नाल हार लब दे ते इनाम ले आ जिस नाल तेरी गरीबी दूर हो जावेगी। सोना राम नू पता सी कि ओह तां बस एवें ही रोटियां दा अंदाजा लगा लैंदा सी। उस दी पत्नी ते लोकां ने उस नू गैबी शक्ति दा मालक समझ लिया। किसी ने सोना राम कोल गैबी शक्ति बारे गल राज महल च कर दित्ती। राजे ने अगले दिन ही सोना राम नू महल च बुलाया। जेकर तू मैनू हार लब के देवे ता मैं तैनू राज महल च नौकरी देंगा ते जिन्नी तू माया मंगेगा ओह भी देवांगा। राजे ने पेशकश कीती, महाराज जी मैं हार किवें लब सकदा हां। सोना राम ने अधीनगी जिही नाल आख्या, मैं तेरे कोल गैबी शक्ति होण दियां गल्लां सुनियां ने, मैं तैनू मुफ्त च काम करन लई नहीं कह रहा, मैं तैनू माला माल कर देंगा। राजा फिर बोलिया, चलो जी मैं लबन दी कोशिश करांगा महाराज जी। उसने तुक्का जिहा लाउन दी सोची। उस दे मन च आया कि क्यों ना कोई व्यूत ही लब लई जावे। ओह राजे तो आग्या लेके वापस आ गया।
नदी किनारे आके ओह व्यूंत सोचन लग गया। उसने सोचया कि क्यों ना सारे पासे होका दिता जावे कि जेकर किसे ने ना दस्या ता मैं गैबी शक्ति नाल उस कोलो हार ले लवांगा ते नाल ही राजे दी कचहरी च ले जावांगा। फिर राजा उसदे सारे परिवार नू कोलू च भीड़ देवेगा। एह व्यूंत सोच के उसने अगले दिन ही कई पिंडा च होका दिता कि जेकर किसे ने हार चोरी कीता है ता ओह मेरे घर कोल पए कड़े च रख जावे, नहीं ता मैं उसनु अपनी गैबी शक्ति नाल पहचान के राजमहल च पेश करांगा। अगे ओह अपने परिवार दे खात्मे लई खुद जिम्मेदार होवेगा। इउं करदिया हफ्ता को बीत गया। एक रात किसे आदमी वल्लों उसने घर दे पिछवाड़े पए कड़े च हार पाउन दी आवाज आई। पहला तो ही कई रातां तो वारी वारी जाग के ओह पति पत्नी उस घड़े ते निगाह लाई बैठे सन। जदों ओह व्यक्ति घड़े च हार पा रहा सी ता सोना राम ही रखवाली ते बैठे सी। उसने हनेरे च उस व्यक्ति नू दबोच लिया। उसने देखा कि ओह व्यक्ति ता नाल दे पिंड दा ही सी। उसनू ओह चंगी तरह जानदा सी। कुछ मिंटा बाद उसने हार घड़े चो कढ लिया ते अपने कमरे च ले आया।